हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्न फास्ट एकेडमी। जैसा कि हम लोगों ने आपको प्रॉमिस किया हुआ है, हम आपको लेवल वाइज एंड फ्री वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपको एवरी संडे वीडियोस मिलेगी एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी प्लेलिस्ट भी बना के देंगे, जिसमें आपको एवरी टाइम होमवर्क एंड क्लास वर्क भी दिया जाएगा और आप अपने लेवल को उसके बेस पे फिनिश कर सकोगे। तो उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और रेगुलरली नोटिफिकेशंस पाने के लिए वीडियोस की उसका बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ एबेकस एंड उसका होमवर्क भी दिया था उसको मेमोराइज करने के लिए, एंड ब्रीफ किया था काउंटिंग को। 1 to 99 तक काउंटिंग, 900 तक काउंटिंग मैं आपको ब्रीफ कर चुकी हूँ ऑन एबेकस। सो आज हम थोड़ा सा उसको डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे कि काउंटिंग एबेकस पे कैसे करनी है, उसको किस तरीके से नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं बीट्स की हेल्प से। होमवर्क एंड क्लास वर्क दोनों ही रहेंगे। क्लास के दौरान आपको क्लास वर्क करना है वीडियो को पॉज करके, एंड होमवर्क आपको करना है आफ्टर क्लास। जैसे मैंने आपको पहले बोला हुआ है, रूटीन डेज में 10 मिनट्स की रूटीन प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, क्लास 2 लेवल 1। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया पार्ट्स ऑफ एबेकस, आपको शायद लर्न हो गए होंगे। बताया था मैंने आपको ये जो बीच के पॉइंट्स हैं उनको पॉइंटर्स बोलते हैं, मिड में जो पॉइंट है इसको हाउस पॉइंटर बोलते हैं, जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, और इसको यूनिट रोड भी बोलते हैं। यूनिट रोड, टेंस रोड, 100 रोड, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी, सिर्फ एक्सप्लेन आज फिर किया है थोड़ा मेमोराइज करवाने के लिए। काउंटिंग भी बता चुकी थी। अब लोअर बीट को जैसे ही हम लोग मिडल बार के साइड लेकर जाएंगे, वन बीट को, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4। 4 बीट से इसकी वैल्यू हो गई 4। जैसे ही हमें 5 करना है वैल्यू को, अपर बीट को मिडल बार के साइड लेकर आएंगे तो वैल्यू हो गई 5। 6 के लिए 6 7 8 9, 9 हो गई, 9 तक मैंने आपको करवाया यूनिट रोड पर। 10 के लिए आपको हेल्प लेनी होगी टेंस रोड की, 10। अब 10 के बाद आपको काउंटिंग करनी है 11 12 13 14। वो कैसे करेंगे? वो करेंगे 10 बीट, 10 की वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट हो गई है, मिडल बार की साइड चला गया है, 10 11 12 13 14, 14 तक आपका यहाँ पे शो हो गया। 15 करने के लिए इसको क्लियर करना होगा। ऊपर वाला बीट मैंने आपको जो पहले बताया है 5 की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है ऑन यूनिट रोड, इसको डाउन कर देंगे मिडल बार के साइड में, इसकी वैल्यू आ गई 15। देन 16 के लिए 16 17 18 19, अब 19 तक यहाँ तक वैल्यू हो गई। 20 करने के लिए वापस इसको क्लियर करना होगा, और 20 के लिए टेंथ रोड पर 1 बीट को अप करना होगा, वैल्यू हो जाएगी 20। फिर से अगर 21 22 21 2 3 4 और 5 करने के लिए लोअर बीट्स को डाउन, अपर बीट को मिडल बार के साइड में 25। फिर से 26 27 28 29 और 30 करने के लिए हम लोग एक बीट और अप करेंगे, वैल्यू हो जाएगी 30। यहाँ 30 तक बता चुकी, ऐसे ही 31 to 39 इस यूनिट रोड की हेल्प से हो जाएगा। 40 के लिए एक बीट और अप हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 40। देन 41 2 3 4 5, इस तरीके से आप कर सकेंगे। 50 के लिए वापस आपका आप ऊपर वाला बीट को डाउन करेंगे मिडल बार के साइड में, देन वैल्यू आ जाएगी 50। देन 51 2 3 4 5, इस तरीके से। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि आपको मैं बीट्स हूँ लाइक इस सेंस में, तो वैल्यू बता सकेंगे? वैल्यू आपको ही बतानी है,
कैसे? क्योंकि मैंने आपको यूनिट रोड पे ये बीट्स बताया था कि बीट जब ऊपर से नीचे आता है मिडिल बार के साइड में तब इसकी वैल्यू होती है 5, जब टेंस रोड पे अपर बीट नीचे आता है तो उसकी वैल्यू होती है 50, तो 55 इस तरीके से। और हमें अगर लिखना है 25 तो हम कैसे करेंगे? 2 बीट्स को अप करेंगे मिडिल बार की साइड में टेंस रोड पे, 5 वाले बीट को जो अपर में है मिडिल बार के साइड में लेके आएंगे यूनिट रोड पे, वैल्यू आ जाएगी 525। इस तरीके से हम अपनी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं बीट्स की हेल्प से नंबर्स में। मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे भी शो करूँगी, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, आपको वर्कशीट मिल रही है स्क्रीन पर। बीट्स दिए होंगे आपको, रोड्स बनी हुई है, बीट्स दिए हैं आपको, बीट से नंबर लिखना है अपनी नोटबुक में, या जिसके पास हमारी बुक है वो अपनी बुक में करेंगे, ये क्लास वर्क है, अपनी बुक में करेंगे, और जिसके पास हमारी बुक नहीं है वो अपनी नोटबुक पे इस स्क्रीनशॉट की हेल्प से उतार कर इस वर्कशीट को और फिर अपना क्लास वर्क कंप्लीट करेंगे। चलो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ इसके ऊपर बीट्स बना रही हूँ मैं। ये जो है ये है हाउस पॉइंटर। हाउस पॉइंटर पे वैल्यू क्या होती है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बीट्स बना रही हूँ वैल्यू, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, ये 4 बीट्स अवेलेबल है यूनिट रोड पर, ओके। और अपर बीट होता है अपसाइड में, यानी कि 5। आपको इस तरीके से बीट्स लिखे हुए दिखेंगे, बने हुए दिखेंगे, आपको ये पहचान कर यहाँ पर नंबर लिखना होगा। अब जैसे कि यूनिट रोड पर ये 4 बीट्स हैं, तो आपको यहाँ नंबर लिखना होगा 1, 2, 3, 4, ये इसको पॉइंटर को टच करता हुआ होगा ये, क्योंकि मिडिल बार की साइड में आते हैं तभी वो नंबर रिप्रेजेंट होते हैं, अदरवाइज उसकी वैल्यू जो होती है, नीचे देखिए इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। जैसे ही वो अप जाते हैं तब उसकी वैल्यू, मिडिल बार की साइड में जाते हैं तब उसकी वैल्यू क्रिएट होती है 1, 2, 3, 4, देन आपको लिखना होगा 4, ओके। अगर आपको इस तरीके से टेंस रोड, ये यूनिट रोड, ये टेंस रोड, ये 100 रोड, आपको 1 बीट दिया हुआ हो टेंस रोड पे, तो वैल्यू क्या हो गई? 10 ये हो गई, 4 बीट यहाँ पे अवेलेबल है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10, 4, 14। आपको इस तरीके से अपनी नोटबुक या बुक में मेंशन करना होगा, ओके। और आपको अगर लिखना है 26 तो कैसे करेंगे? 26 के लिए आपको बीट्स दिए होंगे, 2 बीट्स ऐसे अप 20। अब 6 के लिए आपको ये जो है ये बीट्स की हेल्प नहीं लेनी होगी, आपको क्या करना होगा, 5 ये 26, तो आपको मेंशन करनी होगी वैल्यू 26, ओके। अब अगर आपको 100 रोड पर भी बीट्स दिए हुए होंगे ही, आपकी वर्कशीट में है, तो अगर 100 रोड पर भी बीट्स दिए हुए हैं, मान लो कि यहाँ पे 1 बीट मिडिल बार की साइड में है, तो वैल्यू कितनी हुई? 126, क्योंकि ये 1 बीट रिप्रेजेंट कर रहा है 100 की वैल्यू को, 20 और ये वैल्यू है 6, 126। तो बीट से नंबर की कैसे हम लोग स्टडी करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं सबसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगी कि मैं आपको ये क्लियर कर चुकी हूँ बीट से नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है मेरी वीडियोस देखने के टाइम, तो मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कुछ करेक्शन मुझे करना होगा वो भी हम करेंगे, और कोई भी क्वेरी को सॉल्व करना होगा तो हम कोशिश करेंगे वो क्वेरीज़ को सॉल्व करने की, सो डैट आपको क्लियर हो जाए वो चीज़। ये हमने पढ़ा बीट्स टू नंबर,
बीट्स आपको प्रेजेंट किए हुए हैं, स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगे एंड नंबर्स आपको लिखने हैं। ये आपका क्लास वर्क है, क्लास में करना है, वीडियो को पॉज करना और अपना होम अपना क्लास वर्क कंप्लीट करना। लास्ट में वीडियो के एंड में हम आपको होमवर्क भी देंगे जो कि बुक टू में होगा और वो आपको अपना रेगुलर बेस पे करना है। अब आपको ये बीट्स नहीं दिए हुए हैं, ओके, आपको बीट्स नहीं दिए हुए हैं, आपको नंबर्स दिए होंगे नेक्स्ट पेज पे, नंबर्स दिए होंगे और आपको नंबर्स की देखकर वो बीट्स बनाने होंगे ऑन रोट्स। लाइक आपको नंबर दिया हुआ है 5, तो 5 के लिए ओनली वन डिजिट है, आपको यूनिट रूल की हेल्प से यहाँ पे एक बीट मेंशन करना होगा, यहाँ टच करता हुआ इस तरीके से आपको इस तरीके से बीट बनाना होगा, तो ये वैल्यू प्रेजेंट रिप्रेजेंट करेगा 5, ओके। अगर आपको नंबर दिया हुआ होगा 15, तो आप कैसे करेंगे, 15 नंबर आपको यहाँ दिया है तो 15 के लिए आपको टेंस रोड की हेल्प लेनी होगी और टेंस रोड पे 10 आता है मिडल बार के साइड में, अप जब होता है नीचे लोअर बीट मिडल बार के साइड में जाता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 10, 10 एंड 5 वैल्यू हो गई 15, ओके। अब हम बात कर लेते हैं 125 हम कैसे करेंगे, हमें हेल्प लेनी होगी 100 वाली रोड की और यहाँ हमें 1 यानी 100 शो करना होगा, देन वैल्यू हो गई 125। अगर बात करें 225 तो 2 बीट्स यहाँ पे बनाने होंगे, तो हो गई 225। तो इस तरीके से आपको बीट्स टू नंबर मैंने बता दिया, नंबर टू बीट्स भी आपको शो कर दिया। आपको सारी के सारे क्लास वर्क को रेगुलर बेस पे करना है जो कि आपके लेवल को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगी इससे, ओके। तो हम एबेकस के ऊपर भी इसको कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा आपको बोर्ड पे सिखाया है। एबेकस के ऊपर भी अगर हम बात करें तो एबेकस पे भी अगर आपको नंबर दिया है और आपको शो करने हैं बीट्स तो यू कैन डू इट। आपको अगर 5 बोले तो 5, आपको स्टूडेंट एबेकस अगर किसी के पास है तो आप उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। स्टूडेंट एबेकस एवरी टाइम सरफेस पर ही रहता है और उसको हम लोग बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ओके। सो होप कि आपको मेरी आज की क्लास समझ में आई होगी और आपको हेल्प मिली होगी एबेकस के ऊपर काउंटिंग सीखने में। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग क्लास या कुछ समझने में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा और मैं उसका सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और फिर से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे की क्लास में, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।